ओम नमः शिवाय। आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे सावन के दूसरे मंगलवार के दिन दूसरे मंगला गौरी व्रत की पूरी व्रत कथा। आपसे निवेदन है कि इस कथा को पूरा अवश्य सुने, क्योंकि अधूरी कथा सुनने से पाप लगता है। और कथा शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट्स में दिल से हर हर महादेव अवश्य लिखें। माँ मंगला गौरी इस व्रत कथा को सुन रहे सभी भक्तों पर अपनी असीम कृपा बनाए और उनके सुहाग परिवार और संतानों को स्वस्थ रखें, उन सब की मनोकामनाएं पूरी हो। आइए अब शुरू करते हैं सावन के दूसरे मंगला गौरी व्रत की कथा। श्री गणेशाय नमः। मंगला गौरी व्रत की इस व्रत कथा का वर्णन संसार में पहली बार भगवान शिव ने सनत कुमारों से किया था। सनत कुमारों को मंगला गौरी व्रत सुनाते हुए भगवान शिव बोले, हे सनत कुमार, अब मैं अत्युत्तम भौम व्रत का वर्णन करूंगा, जिसके अनुष्ठान करने मात्र से वैधव्य नहीं होता। विवाह होने के पश्चात 5 वर्षों तक ये व्रत करना चाहिए। इसका नाम मंगला गौरी व्रत है। ये पापों का नाश करने वाला है। विवाह के पश्चात प्रथम श्रावण शुक्ल पक्ष में पहले मंगलवार को ये व्रत आरंभ करना चाहिए। केले के खम्भों से सुशोभित एक पुष्प मंडल बनाना चाहिए और उसे अनेक प्रकार के फलों तथा रेशमी वस्त्रों से सजाना चाहिए। उस मंडप में अपने सामर्थ्य के अनुसार देवी की सुवर्णमयी अथवा अन्य धातु की बनी प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। उस प्रतिमा को 16 उपचारों से, 16 दुर्वा दलों से, 16 चावलों से तथा 16 चने की दालों से मंगला गौरी नामक देवी की पूजा करनी चाहिए और 16 बत्तियों से 16 दीपक जलाने चाहिए। दही तथा भात का नैवेद्य भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। देवी के पास ही पत्थर की सील स्थापित करनी चाहिए। 5 वर्ष तक इस प्रकार से करने के पश्चात उद्यापन करना चाहिए और माता को वायन प्रदान करना चाहिए, जिसकी विधि आप सुनिए। अपने सामर्थ्य अनुसार एक पल प्रमाण सुवर्ण की अथवा उसके आधे प्रमाण की अथवा उसके भी आधे प्रमाण की मंगला गौरी माता की प्रतिमा निर्मित करनी चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार स्वर्ण आदि के बने तंडुल पूरित पात्र पर वस्त्र तथा रमणीय कंचों की ओढ़नी रखकर उन दोनों के ऊपर देवी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। पास में चांदी से निर्मित सील रखकर माता को वायन प्रदान करना चाहिए। इसके बाद 16 सुवासिनियों को प्रयत्न पूर्वक भोजन कराना चाहिए। हे विप्र, इस विधि से व्रत करने पर 7 जन्मों तक सौभाग्य अटल बना रहता है और पुत्र पुत्री आदि के साथ संपदा विद्यमान रहती है। सनत कुमार बोले, सर्वप्रथम इस व्रत को किसने किया था और किसको इसका फल प्राप्त हुआ? हे शंभो, जिस तरह से मुझे इसके प्रति निष्ठा हो जाए, कृपा करके वैसे ही बताइए। ईश्वर महादेव बोले, हे सनत कुमार, पूर्व काल में कुरु देश में श्रुतकीर्ति नामक एक विद्वान कीर्तिशाली, शत्रुओं का नाश करने वाला, 64 कलाओं का ज्ञाता तथा धनुर्विद्या में कुशल राजा हुआ था। पुत्र के अतिरिक्त अन्य सभी चीजें उस राजा के पास थी, अतः वह राजा संतान के विषय में अत्यंत चिंतित हुआ और जप ध्यान पूर्वक देवी की आराधना करने लगा। तब उसकी कठोर तपस्या से देवी प्रसन्न हो गई और उससे ये वचन बोली, हे सुव्रत, वर मांगो। श्रुतकीर्ति बोला, हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे सुंदर पुत्र रत्न प्रदान कीजिए। हे देवी, आपकी कृपा से अन्य किसी भी वस्तु का मुझे अभाव नहीं है। उसका ये वचन सुनकर पवित्र मुस्कान वाली देवी ने कहा, हे राजन, तुमने अत्यंत दुर्लभ वर मांगा है, फिर भी कृपावश मैं तुम्हें उसे अवश्य दूंगी। किंतु हे राजेंद्र, सुनिए, यदि परम गुणी पुत्र चाहते हो तो वो केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, और यदि रूप तथा विद्या से विहीन पुत्र चाहते हो तो वो दीर्घजीवी होगा। देवी का ये वचन सुनकर राजा चिंतित हो उठा और पुनः अपनी पत्नी से परामर्श करके उसने गुणवान तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न 16 वर्ष की आयु वाला पुत्र मांगा। तब देवी ने भक्ति संपन्न राजा से कहा, हे नृपनंदन, मेरे मंदिर के द्वार पर आम का एक वृक्ष है, उसका एक फल लाकर मेरी आज्ञा से
अपनी भार्या को उसे भक्षण करने हेतु प्रदान करो, जिससे वो शीघ्र ही गर्भ धारण करेगी। इसमें संदेह नहीं है। प्रसन्न होकर राजा ने वैसा ही किया और उसकी पत्नी ने गर्भ धारण कर लिया। 10वें महीने में उसने देवतुल्य सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब हर्ष तथा शोक से युक्त राजा ने बालक का जात कर्म आदि संस्कार किया और शिव जी का स्मरण करते हुए उसका नाम चिरायु रखा। इसके बाद पुत्र के 16 वर्ष के होने पर पत्नी सहित राजा चिंता में पड़ गए और वे विचार करने लगे कि ये पुत्र तो हमें बड़े ही कष्टों से प्राप्त हुआ है और मैं इसके दुखद अंत को अपने सामने कैसे देख सकूंगा। ऐसा विचार मंगला गौरी नामक कन्या थी। सभी उपमानों को तुच्छ करके सौंदर्य अभिवृद्धि को प्राप्त करके वह कन्या किसी समय सखियों के साथ नगर उपवन में क्रीड़ा करने के लिए गई हुई थी। उसी समय वो चिरायु तथा उसका मामा वे दोनों भी वहां पहुंच गए और उन कन्याओं को देखने की लालसा से वहीं विश्राम करने लगे। इसी बीच विनोद पूर्वक क्रीड़ा करते हुए उन कन्याओं में से किसी एक ने कुपित होकर राजकुमारी को एक कुवचन कह दिया। तब उस अशुभ वचन को सुनकर राजकुमारी ने कहा, तुम अनुचित बातें क्यों बोल रही हो? मेरे कुल में तो इस प्रकार का कोई नहीं है। मंगला गौरी माता की कृपा से तथा उनके व्रत के प्रभाव से विवाह के समय जिसके सर पर भी मेरे हाथ से अक्षत पड़ेंगे, हे सखी, वो यदि अल्पायु वाला होगा तो भी चिरंजीवी हो जाएगा। इसके बाद वो सभी कन्याएं अपने अपने घर चली गई। उसी दिन राजकुमारी का विवाह था। महिलिक देश के दृढ़धर्मा नामक राजा के सुकेतु नाम वाले पुत्र के साथ उसका विवाह निश्चित किया गया था। वो सुकेतु विद्याहीन, कुरूप तथा बहरा था। तब सुकेतु के साथ आए हुए उन लोगों ने विचार किया कि इस समय कोई दूसरा श्रेष्ठ वर ले जाना चाहिए और विवाह संपन्न हो जाने के बाद वहाँ सुकेतु पहुँच जाए। उन लोगों ने चिरायु के मामा के पास जाकर याचना की कि आप अपने सुंदर बालक को हमें दे दीजिए, जिससे हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। इस पृथ्वी पर परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। उनकी बात सुनकर चिरायु का मामा मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि इसने उपवन में पहले ही कन्या मंगला गौरी की बातें सुन ली थी। फिर भी उसने एक बार कहा कि आप लोग इसे किस लिए मांग रहे हैं? कार्य की सिद्धि हेतु वस्त्र अलंकार आदि मांगे जाते हैं, वर तो कहीं भी नहीं मांगा जाता। तथापि आप लोगों का सम्मान रखने के लिए मैं इसे दे रहा हूँ। इसके बाद चिरायु को वहाँ ले जाकर उन लोगों ने विवाह संपन्न करा दिया। सप्तपदी आदि के हो जाने पर रात्रि में शिव पार्वती की प्रतिमा के समक्ष उस चिरायु ने हर्षयुक्त होकर मंगला गौरी के साथ शयन किया। उसी रात चिरायु के 16 वर्ष पूर्ण हो चुके थे और अर्ध रात्रि में साक्षात काल सर्प रूप में वहाँ आ गया। इसी बीच संयोगवश राजकुमारी रात में जाग गई। उसने उस महासर्प को वहां देखा और वह भय से व्याकुल होकर कांपने लगी। तभी उस कन्या ने धैर्य धारण करके 16 उपचारों से सर्प की पूजा की और पीने के लिए उसे दूध दिया। उसने दीनता भरी वाणी में उस सर्प की प्रार्थना तथा स्तुति की। मंगला गौरी प्रार्थना करने लगी कि मैं उत्तम व्रत को करूंगी, जिससे मेरे पति जीवित रहे, आप वैसा कीजिए। इतने में सर्प वहां स्थित एक कमंडलों में प्रवेश कर गया और उस मंगला गौरी ने अपनी कंचुकी से उस कमंडलू का मुंह बांध दिया। इसी बीच उसका पति अंगड़ाए लेकर जाग गया और अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिये, मुझे भूख लगी है। तब वो अपनी माता के पास जाकर खीर लड्डू आदि ले आई और उसके द्वारा दिए गए भोज्य पदार्थों को चिरायु ने प्रसन्न मन से खाया। भोजन के पश्चात हाथ धोते समय उसके हाथ से एक अंगूठी गिर पड़ी। तांबुल खाकर वो पुनः सो गया। इसके बाद मंगला गौरी कमंडलों को फेंकने के लिए जाने लगी। विधि की कैसी गति है कि उस कमंडलों में बाहर की ओर जगमग करती हुई हार कांति को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। घट में स्थित उस हार को उसने अपने कंठ में धारण कर लिया। इसके बाद कुछ रात शेष रहते ही चिरायु का मामा आकर उसे अपने साथ ले गया। इसके बाद वर पक्ष के लोग सुकेतु को वहां ले आए। इसके बाद उसे देखकर मंगला गौरी ने कहा कि ये मेरे पति नहीं है। तब उन सभी ने उससे कहा, हे शुभे, तुम ये क्या बोल रही हो? यह तुम्हारा कोई परिचायक हो?
तो उसे हम लोगों को बताओ। मंगला गौरी बोली, जिसने रात्रि में नौ रत्नों से बनी अंगूठी दी है उसकी उंगली में इसे डालकर परिचायक निशानी देख लें। मेरे पति ने रात्रि में मुझे हार दिया था, उसके रत्नों का समुदाय कैसा है इस बात को ये बता सके तो कोई और मुझे इसका प्रमाण दे। इसके अतिरिक्त रात्रि में आम सींचते समय उनका पैर कुमकुम में लिप्त हो गया था, वो मेरी जंघा पर अब भी विद्यमान है, उसे आप लोग शीघ्र देख लें। साथ ही रात में परस्पर भाषण तथा भोजन आदि जो कुछ भी किया गया उसे ये व्यक्ति बता दे तो मैं निश्चित ही इन्हें अपना पति मान लूंगी। इस प्रकार उसका वचन सुनकर सभी ठीक है ऐसा कहने लगे, किंतु जब एक भी बात ना मिली तब सभी ने सुकेतु को मंगला गौरी का पति होने से निषिद्ध कर दिया और वर पक्ष वाले जिस तरह से आए थे उसी तरह से वापस चले गए। उसके बाद अपने वंश को बढ़ाने वाले महान यश से संपन्न तथा परम मनस्वी मंगला गौरी के पिता ने अन्न पान आदि का सत्र चलाया। उन्होंने वर पक्ष का वृतांत कानों कान सुन लिया कि स्वरूप से कुरूप होने के कारण उन लोगों के द्वारा किसी अन्य को ही वर के रूप में आदर पूर्वक लाया गया था। तब उन्होंने अपनी कन्या को पर्दे के भीतर बिठा दिया। उसके बाद एक वर्ष बीतने पर यात्रा करके चिरायु अपने मामा के साथ ये देखने आया कि विवाह के बाद वहाँ क्या हुआ। तब उसे गवाक्ष के भीतर से देखकर मंगला गौरी अत्यंत प्रसन्न हुई और अपने माता पिता से बोली कि मेरे पति आ गए हैं। राजा ने अपने सुहृद जनों को बुलाकर पूर्व में कहे गए सभी परिचायकों को निशानी को दिखाकर मंद मुस्कान वाली अपनी कन्या चिरायु को सौंप दी। राजा ने शिष्ट जनों को साथ लेकर विवाह का उत्सव कराया। इसके बाद राजा वीरसेन ने वस्त्र आभूषण आदि सेना घोड़े रत्न और बहुत सी सामग्रियां देकर चिरायु और मंगला गौरी को विदा किया। उसके बाद कुल को आनंदित करने वाला वह चिरायु पत्नी तथा मामा के साथ सेना को साथ लेकर अपने नगर को वापस पहुंचा। लोगों के मुख से चिरायु के वापस लौट आने की बात सुनकर चिरायु के माता पिता को तो जैसे विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि प्रारब्ध अन्यथा कैसे हो सकता है, देवी माँ के वचन आखिर सिद्ध क्यों नहीं हुए। इतने में वो अपने माता पिता के पास ही आ गया और स्नेह से परिपूर्ण वो चिरायु भक्ति पूर्वक अपने माता पिता के चरणों में गिर पड़ा। तब अपने पुत्र का मस्तक सूंघकर और उसे प्रत्यक्ष अपने सामने स्वस्थ और जीवित देखकर उन दोनों को परम आनंद प्राप्त हुआ। पुत्रवधू मंगला गौरी ने भी अपने नवीन सास ससुर को प्रणाम किया। तब सास उसे अपनी गोद में बिठाकर सारा वृतांत शीघ्रता पूर्वक उससे पूछने लगी। हे महामुने, तब पुत्रवधू ने भी मंगला गौरी के उत्तम व्रत का महात्म्य तथा जो कुछ भी आनंद नगर में घटित हुआ वो सारा वृतांत अपनी सास को बताया। हे सनत कुमारों, मैंने आपसे इस मंगला गौरी व्रत का वर्णन कर दिया है, जो कोई भी इसका श्रवण करता है तथा जो इसे कहता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार भगवान शिव ने सनत कुमारों को ये मंगला गौरी नामक दिव्य व्रत बताया और उन्होंने सभी कार्यों को पूर्ण करने वाले इस व्रत को सुनकर महान आनंद को प्राप्त किया। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मातम्य में मंगला गौरी व्रत कथन नामक ये अध्याय संपूर्ण हुआ। ये कथा सुनने के बाद विवाहित महिला अपनी सास एवं ननद को 16 लड्डू देती है। उसके उपरांत वे यही प्रसाद ब्राह्मणों को भी ग्रहण कराती है। इस विधि को पूरा करने के बाद व्रती 16 बाती वाले दीपक से देवी की आरती करती है। व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी अथवा पोखर में विसर्जित किया जाता है। अंत में माँ गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए, पूजा में हुई त्रुटियों के लिए क्षमा अवश्य मांगे। इस व्रत एवं पूजा के अनुष्ठान को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक अवश्य करें। ऐसी ही और जरूरी जानकारियों और व्रत कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।